लूटपाट का मामला आए दिन सामने आता रहता है। ऐसा ही मामला भोगनीपुर तहसील असेवा गांव में आया है, जहां पर 8 जून को पिलखनी गांव के दो युवाओं ने एक बुजुर्ग से 24,000 लूट लिए। बुजुर्ग का कहना है कि वो पैसे लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। जब बुजुर्ग ने आरोपियों की पुष्टि करने के लिए SDM को पत्र लिखा तो SDM ने थाना भोगनीपुर को कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कानपुर देहात के SP स्वप्निल के राज में पीड़ित बुजुर्ग न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के जनता दरबार में शिकायत के लिए पहुँच गए। पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र का है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? असेवा। अच्छा, आज आप कहाँ पे आए हैं? हम अपने भाई ने छकिन फिर जाए CEO के जा रहे थे, आप मिल गए मंत्री जी आए तो रुक के नहीं। अच्छा, मंत्री जी के आप आए हैं? हाँ। क्या मामला है, किस बात को लेके आप आए हैं? हम इस बात का कि इसमें सुनाई नहीं हुई है, इसके जो एप्लीकेशन दी है थाने में, आपने प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ, थाने में। तो क्या मामला था, किस बात को लेकर दिया गया था, क्या मामला है? 24,000 रुपए निकाल लिए कंधों में मार पीट के, निकाल लिए हमारे जेब, मेरे जेब से। किस तारीख को निकाले थे पैसे? 8 जून को। 8 जून को पैसे? हाँ, निकाल लिए थे। कहाँ जा रहे थे? डीग बैंक का बड़ौदा डीग। पैसा लेके जा रहे थे? हाँ, जा रहे थे। जमा करने जा रहे थे? जमा करने जा रहे थे। अच्छा, जिन लोगों ने पैसा निकाला वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो पिलखनी के। पिलखनी क्या नाम है उनका? उनका सूरज और संतराम और एक उनका बहन हुई। उनका घर तक जाना था, उनके पहचान लेने अच्छे ढंग से। अच्छा, थाने में आपने प्रार्थना पत्र दिया था, तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी बस ये कार्रवाई होगी, बस ये कही देने करेंगे, देखेंगे करेंगे हम देखेंगे, बस ये कही देते हैं। अच्छा, तो आज मंत्री जी की शिकायत करने आए हैं? हाँ। तो अब आप चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि इनको जो है पकड़ा जाए, इनको इन लोगों अपराधियों को और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, रुपए दिलाए जाए। चुप, हम ईमानदारी से सत्य बोल रहे हैं, कोई भी बात झूठ नहीं है।